मुंबई में हुआ लॉर्ड्स ऑफ ट्रेंड्स इंटरनेशनल फैशन वीक एंड अचीवमेंट अवार्ड्स, जिसे इवेंट फैक्ट्री एंड त्रिशूल द डिवाइन ने आयोजित किया था। इस मौके पर टीवी और फैशन जगत के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। और उन्हें सम्मानित भी किया गया। जिनमें शामिल थे अनुपमा के वनराज यानी कि सुधांशु पांडे, भाभी जी घर पर है की सारी टीम, खतरों के खिलाड़ी की जन्नत जुबैर और राजीव। इस मौके पर डिजाइनर साहिल कुरेशी ने भी अपने एक फैशन शो को पेश किया, जिसमें शो स्टॉपर रहे बिग बॉस के विशाल कोटियन और अभिनेत्री सना सुल्तान। तो भाई अवार्ड्स की शाम है, फैशन का रंग है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अवार्ड से नवाजे गए, तो शाम के कुछ खास रंग आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ हमारे डिजाइनर से, साहिल, जो खास झांसी से आए हैं। कैसा लगा मुंबई में और ये अवार्ड पाके और ये इवनिंग का रंग कैसा? बहुत ही अच्छा लगा काम कर, कुणाल भाई के साथ काम कर, विशाल भाई के साथ काम कर, सना मैम के साथ काम कर। ये पूरे इवेंट मोहित जी ने स्टाइल किया था और डिजाइन मैंने किए थे सारे आउटफिट, बहुत ही अच्छा रही इवेंट। विशाल, आज रैंप पर चले आप साहिल के लिए, कुणाल ने इतने एक खूबसूरत आयोजन किया था, मोहित ने स्टाइल किया था, सना जैसी खूबसूरत आपकी को स्टार थी साथ में, तो हाउ वाज द इवनिंग, हाउ वाज द जोश? जोश वॉज वेरी हाई एंड एज आई कीप ऑलवेज टेलिंग पीपल दैट कपड़े ब्रांडेड होना हो, सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, तो कहीं कहीं तो कहीं साहिल की सोच ब्रांडेड है, ही मेक्स क्लोथ्स विच आर कंफर्टेबल, तो वही कंफर्ट का बात है। और बॉडी अच्छी हो ना तो कुछ भी पहनो अच्छा लगता है, तो अच्छी बॉडी दो, अच्छे डिजाइनर्स को हैंडल, मेक यू लुक गुड। लॉट ऑफ ट्रेंड्स इज अवर सीजन टू, इट्स इंटरनेशनल फैशन वीक, वी आर ग्रोइंग, hopefully we'll grow sooner and we'll do much much bigger and better show after this. See, I think one word if I say for successful shows like these is teamwork. बिना teamwork के कुछ नहीं होता, and अभी जो ship के captain है वो है कुणाल, तो उन्होंने बहुत आला दर्जे का show put up किया है. I feel blessed to work with such an amazing personality like Vishal. I feel really blessed. Mohit जैसे आला दर्जे के designer, Sahil, I think it's a great teamwork and inshallah looking forward for more such amazing shows मुस्तकबिल में. So yeah, शुक्रिया. आपने मुझे compliment नहीं दिया, मैं कैसी लग रही हूँ? देखो खूबसूरत, बिल्कुल mermaid जैसी लग रही है. I am nominated for the most promising face of the year and the category that I'm nominated in is very very special and it's huge and it actually comes with a lot of responsibility and happiness and encouragement and I'm very very happy to be here tonight. Awards actually ye hamare fans ke liye zyada important aur maine rakhta hai because ye log train karte hain, ye log itna appreciate karte hain, itni mehnat karte hain. Main aap koi bhi fan ko utha ke dekh lijiye, wo hai na, it's like a unpaid job and which they are so good at. तो ये अवार्ड्स एक्चुअली उनको पहले जाता है, फिर माता पिता को जाता है। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि जो चीज़ 12 साल से नहीं हुई वो एक शो की वजह से हो गई, वो शो के कुछ कंटेस्टेंट्स की वजह से हो गई, तो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। जब काम नॉमिनेटेड होता है तो एक्साइटमेंट खुद ब खुद आ जाती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग है व्हेन योर वर्क गेट्स रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन योर वर्क गेट्स एक्नॉलेज्ड एंड व्हेन यू आर नॉमिनेटेड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर, जिसके लिए हम दिन रात शाम दोपहर सब काम करते हैं, तो नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन दिस फीलिंग दैट योर वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरली व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, यू नो योर वर्क, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। यार, अपने काम में इतना मेहनत कर रहे हो और आपको अवार्ड मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है। एवरी आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही स्पेशल डे होता है एंड मैं तो कहूँगी कि ऐसे अवार्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपके काम को प्रोत्साहन मिले, आपको एनकरेजमेंट मिले। और आई थिंक ये अवार्ड्स टेक्निकल टीम के लिए भी होना चाहिए, नॉट ओनली आर्टिस्ट। दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ लाइक फैशन वीक, सो दे हैव लॉट ऑफ, आई थिंक दे चोज मी फॉर स्टाइलिस्ट एक्ट्रेस, मोस्ट स्टाइलिस्ट एक्ट्रेस in south category because I work down south. Yeah, thank you so much. First of all, I'm super excited and I'm really grateful to get this award for most stylish actress. Yes, ek actor ke liye bahut bada appreciation ho jata hai ek award, because usse aapko pata chalta hai ki aap life mein kuch to theek kar rahe hain.
बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लाइक ऑफकोर्स सबके लिए मायने रखते हैं, ऑफकोर्स मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अवार्ड्स, और ये एक अचीवमेंट है. तो आई थिंक सो हैप्पी आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एंटरटेनर, मुझे बहुत खुशी इस बात पे, एंड आई थिंक बस आई एम हैप्पी टू बी हियर विद एवरीबॉडी एंड लेट्स सी हाउ द अवार्ड्स टर्न आउट. इस खास मौके पर सास बहू और बेटियां की टीम को भी मिला खास सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया. मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.